you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Famous major, just touching me, touching me. कैसे आप लोग अभी आज का दिन चालू कर रहे हैं और अभी मैं ऋतिक प्रियंजन भाई और पीछे दूर देवल पे शायद दिख रहे होंगे तो हम सब जा रहे हैं इंडिया 101। तो इंडिया 101 बहुत टाइम बाद जा रहे हैं हम लोग, तो देखते चल के कैसा रहेगा आज का एक्सपीरियंस। और अभी तो पहले फिगर आउट ये करना पड़ेगा यहाँ से कैसे निकलना है। नहीं 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 यहाँ से निकल जाएंगे, बारिश हुई अभी बहुत ज़्यादा तो होपफुली वाइट जूते पहने तो खराब नहीं हो, चल के देखते हैं कैसा रहेगा। अभी हमने कार ले ली, उसके बाद हम लोग के लिए रुके ही हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है लोग कार लेने का जब इतने बड़े हाईवे में। एक मिनट हो गया, हमारे पास ग्रीन कार्ड आया। हाँ तो इतने बड़े हाईवे पे भी जब हम लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं एकदम मजे से और 8 सेकेंड और निकल सकते हैं, 10 सेकेंड सॉरी 11 सेकेंड, तो क्या ही मतलब है कार लेके जाना है। ये हम लोग आ गए हैं लवर स्टेशन पे, काफ़ी नॉर्मल स्टेशन है, लव छोड़ के सब कुछ होता है, देवल लोगों को काफ़ी पता है इस बारे में। अभी जाएंगे अंदर हम लोग, उस तरफ जाना है तो वहाँ से जाने का रास्ता ढूंढेंगे, उस तरफ उस तरफ। अभी बीच चढ़ना पड़ेगा, जनता काफी पम्प्ड अप है। हाँ उस तरफ हम लोग उतरे हैं यहाँ से स्टेशन से और ये उतरते ही गोलिंग बार मिल गई हम लोग को, काफ़ी ज़्यादा पैसे हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी कर रही है हम लोगों ने, मतलब करी नहीं है हम लोग, गोलिंग फ्री होता है गोलिंग डैलस में, जो भी लोग आ रहे हैं तो उन लोग के लिए स्टूडेंट्स खासकर जो होते हैं मोस्टली SMU के, तो उन लोग के लिए फ्री होती है ये सर्विस। अरे ऑल ओवर यूनिवर्सिटी, तो हाँ मतलब मोस्टली हर यूनिवर्सिटी देती होगी, पता नहीं SMU तो देती है। तो अभी बस यहाँ 10 मिनट का रास्ता है इंडिया 101 का, फिर वहाँ चल के देखते हैं क्या से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या खाना है। पहुँच गए यहाँ पे इंडिया 101, पूरी जनता है अभी यहाँ पर, प्रत्येक को बोला गेट बंद करने को। ओ तो ये होती है गोलिंग, ये फ्री होती है सब लोगों के लिए। आज वो स्मेल मिसिंग है यहाँ पर जो आती है। तो अभी हम लोग को बताना खाना मतलब अभी हम लोग को सीधे सीटिंग देंगे वो लोग और जाते रहने पेमेंट करना होता है, तभी 4 लोग की वो सीटिंग देख रहे हैं जहाँ पे हो पाएगी। हाँ लास्ट टाइम वाले बैठना क्या तो आज की स्ट्रेटजी हम लोग ये है कि पहले जो स्टार्टर्स रहेंगे वो ही अच्छे से खाएंगे, क्योंकि वो ही हम लोग को काफ़ी अच्छे लगते हैं, बाकी तो ठीक ठाक लगता है। तो अभी यहाँ पर नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस और टोमेटो सूप है, तो इनमें से देखते हैं एक चीज़ लेते हैं। अभी अरे अमेरिकन जनता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में लिया है ये मंचूरियन हो गया अपना जो बहुत अच्छा लगा था पिछली बार भी, ये हो गया अपना आलू टिक्की, ये हो गया 2 मेदू बड़े के छोटे छोटे पीस, ये हो गया फ्राइड राइस, और ये बिना पूरी ली है क्योंकि अपन आलू टिक्की ऊपर डालेंगे, वो है नूडल्स। तो ये ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। और ये है अपना पंजाबी मैंगो लस्सी और पंजाबी बटर मिल्क, तो देखते हैं इनको ट्राई करके पहले क्या स्ट्रेटेजी है। तो मैं मीठा सबसे लास्ट में खाऊंगा, पहले मैं खा रहा हूँ थोड़ा टिकिया सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया मैंने, साउथ इंडियन खाना, साउथ इंडियन हो गया अपना दही बड़ा हो गया टिकिया हो गई थोड़ा थोड़ा खा के फिर लास्ट में जाऊँगा मीठा और सबसे लास्ट में मीठा। रंजन भाई स्टार्टर और डिजर्ट मेन कुछ पहुँचना ही नहीं, मेन फर्स्ट क्या सीधा मैं सब कुछ खाऊँगा, सब कुछ ट्राई करने को, बहुत ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग काफ़ी वैरायटी हम 4 लोगों में। मेरी स्ट्रेटजी के साथ सब लेंगे तो आप मेन कोर्स ले लें थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है हिसाब से सबका राउंड तो चालू हो गया है। मेरे हिसाब से मेन कोर्स में चालू करने वाला था, तो ये कोई स्वीट है, ये दाल तड़का है, ये चना मसाला है, ये मलाई कोफ्ता है, ये पापड़ है, ये प्याज नान बटर पनीर मसाला वो ले लिया और ये पालक पकौड़े हलवा, अभी तो ये मैंने मेन कोर्स लिया। देवल भैया जैसे कि उसने बोला था सब ट्राई करेंगे तब वो ट्राई नंबर 2 लेके आए, प्लेट सजा तो देवल वो रंजन भैया रहे बस।
भाई हम लोग तो बस खा रहे हैं अभी। अब लोग प्रोबेबली लास्ट राउंड में यहाँ पे ये क्या है, वेनिला केक है, ये दाल चावल, ये प्रोबेबली बोला मैंने और ये बिरयानी है और ये खीर है और ये कोक जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है सब पचाने में। बाकी अभी रिश्ते एक ब्रेक पर है, रंजन भाई मेरे साथ फुल साथ दे रहे हैं, देवल भी ब्रेक पर है अभी तो देखते हैं इसके बाद। ऋतिक वेट कर रहा है छोड़ के जाएगा, वो छोड़ वेट कर रहा है कोई सी प्लेट लेके जाए। तो हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे किसी का तो बेबी शायद राइस फीडिंग सेरेमनी चल रही है भाई 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 भाई, भाई। तो यहाँ पे फुल पार्टी का माहौल हो रखा है अंदर पूरा, जैसे अपने शादी वादी नहीं चलती वैसे चल रहा है पूरा। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, वो ऋतिक रहा ऋतिक सिर्फ लिए जा रहा है, रख नहीं रहा है वापस की प्लेट उठा उठा के ले जा रहे लोग खाना, बाकी छोड़ नहीं रहा है पूरा पूरा पैसा वसूलेगा ये खाली प्लेट है। हम लोग का खाना हो गया, हम लोग बस घूम रहे हैं पागल जैसे क्योंकि पेट और जगह बिल्कुल भी नहीं बची है, खाना एकदम टॉप तक भर गया, बाकी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा खाना पचेगा। ऋतिक तो अभी मतलब प्लेट पर लेके घूम रहा है, ऋतिक प्लेट लेके घूम रहे हैं कब कुछ अच्छा लग जाए। राउंड वन रंजन भाई वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी देखते हैं हम लोग को अच्छा लगेगा तो हम लेंगे। अभी अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तक रही गई है, पानी पूरी। अभी पानी पूरी खाएंगे अपन लोग, मैं ले आया हूँ पानी पूरी, आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरे से। अभी ये रही पूरियाँ, वो रहा आलू और चिक्पी। अभी वेट कर, ये नहीं है पानी, देवल भी पानी लेने गए सब अपना अपना कुछ तो ले रहे हैं, अभी तो मैं अकेले ही हूँ यहाँ पे, देवल भी पानी लेके आएंगे अभी। तो इंडिया 101 से बाहर आ गए हम लोग, पेड़ एकदम भयंकर ही भर गया। ओ भाई क्या बैकग्राउंड आ रहा है, एकदम मस्त सनसेट आ रहा है। तो अभी पेड़ भर गया, अभी हम जा रहे हैं हेलो इंडिया, बहुत खा लिया हमने, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर मज़ा आ गया, पूरा खाना वाना खा गया। बस थोड़ी देर कैसा लगा खाना आपको? बहुत शानदार मज़ा आ गया खा के खाना। सबसे फेवरेट चीज़ क्या थी? सबसे फेवरेट चीज़ थी खीर, खीर ओहो जो स्वीट्स है यहाँ के बहुत ही मस्त है, मज़ा आ जाता है। और वो साथ में लस्सी, मंचूरियन बहुत अच्छा था, जनरली मंचूरियन मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट। देवल भैया फेवरेट वेनिला केक और एक और मतलब वेनिला केक इंक्लूड्स एग पानीपुरी, पानीपुरी का एक्सपीरियंस है। अभी कुछ हुआ है मैं बताऊंगा इसके बाद, कुछ देर में बस चीज हुई है। रंजन भाई अभी उसमें कॉल पर, उसके बाद पूछते हैं उनसे उनको क्या सबसे अच्छा लगा। मेरे को मंचूरियन बहुत अच्छा लगा, मंचूरियन सबसे अच्छा था। थोड़ा अंदर चल रहे रंजन भाई मिल गए, क्या फेवरेट आपका सबसे फेवरेट डिश स्वीट में और एक नॉर्मल में? पहले तो अभी इतना खा लिया है कि बोला नहीं जा रहा है, आवाज नहीं आ रही पेट, आवाज नहीं आ रही मेरे पेट से, गले तक खाना भरा हुआ है ना। हाँ तो अगर फेवरेट डिश की बात की जाए तो तंदूरी चिकन काफी अच्छा था। ओके मस्ट ट्राई। और स्वीट में? स्वीट में खीर, खीर सबने बोला तो खीर तो सच में बहुत अच्छी थी। अभी आ गए हम लोग इंडियन स्टोर, देखते हैं क्या यहाँ पे ले सकते हैं। इंडियन स्टोर में आ गए थे, पहले पोहे लिए अपन ने एज ए इंदौरी, और ढूंढ रहे हैं क्या ले सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ग्रोसरी चाहिए तो है पुराने वाले नए वाले घर के हिसाब से। गंगा जल अच्छा हो, बाय बाय बाय। देखते तो फिर फ्रोजन सामान लेंगे अभी, पराठे वगैरह और ये पोहा हो गया, सामान वामान सब ले लेते अपन ने ये हेलो इंडिया से। कैब कर दिए यहाँ से, हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, पेट सबका बहुत भरा हुआ है। और सामान यहाँ पे ठीक ठाक मिल गया, मतलब ज़्यादा सामान वेराइटी नहीं थी पर ठीक है, हो गई शॉपिंग। अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। अब अगर बोलेंगे एक अजीब बात बताऊँ मैं आप लोग को, अगर मैं अकेला हूँ या मेरे साथ 10 लोग हैं, गाड़ी हमेशा हनी वनी आती है। जैसे कि अभी मैं अकेला हूँ, फिर मेरे लिए जो गाड़ी आई है वो ये है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अकेला हूँ, बाकी मेरे लिए पूरी गाड़ी देखो। अभी इसी गाड़ी में हम लोग गए थे जब इंडिया 101 गए थे, तो अभी हम अकेले जा रहे हैं इसमें। तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग वापस आ गए थे इंडिया 101 से, तो आज की ट्रिप बहुत क्रेजी रही और हम लोगों को मतलब काफ़ी सब लोगों ने खाना वाना खाया, सब बहुत मज़ा आया। और जो फाइनल बिल था शायद उन्होंने बताया नहीं होगा, बिल था हम लोग को $25 का,
पर पर्सन के लिए। आज वीकेंड भी था, सैटरडे था, और यूजुअली आई थिंक 20 होता है वीक डेज पे, भाई खाना वर्थ इट था। तो वहाँ पर हम लोग थे, और वहाँ पे एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ पे एक हम लोग का अमेरिकन कपल मिला था, जो कि हम लोग को ऑब्जर्व कर रहा था कि हम लोग चीज़ों को कैसे खाते हैं। तो मैंने पानी पूरी ली थी, तो उन लोग को आइडिया नहीं था कि पानी पूरी खाते कैसे हैं, क्या करना होता है उसका। तो वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे पूरी तरीके से कि मैं पानी पूरी कैसे खाता हूँ। तो मैंने पूरी ली, उसके अंदर आलू भरा, प्याज भरा, पानी पूरी भरा, पानी डाला, मतलब पानी नहीं डाला एक्चुअली, मैंने सिर्फ पूरी में आलू डाला। और देवल भी, ऐसे मैंने वीडियो में बताया था कि देवल भी पानी ले रहे हैं मेरे लिए, तो वो पानी ला रहे थे। मेरे पास सिर्फ पूरी थी और उसमें आलू था। उन लोगों ने उतना ही देखा, पानी वाला पार्ट नहीं देखा, तो उन लोगों को लगा ऐसे ही खाते हैं। तो उन लोगों ने भी ले आए, उन लोगों ने खाना चालू कर दिया। तो बहुत फनी मोमेंट हो गया था, क्योंकि उन लोगों को बता भी नहीं सकते कि इसमें पानी डालना होता है। बाद में देवल भी लाए, तो मैंने धीरे धीरे पानी डाल के खा रहा था कि उन लोग को नोटिस हो ये कि पानी डालना होता है। मतलब फुल कंफ्यूज हो चुके थे कि क्या कर रहा है ये। और उन लोगों ने बाद में पूछा कि क्या है, तो उन लोगों को बताया कि भाई ये पानी पूरी का पानी होता है। तो उसके बाद उन लोगों ने खाना चालू करा पानी के साथ। काफ़ी फनी इंसिडेंट हो गया था वहाँ पे, ऑकवर्ड प्लस फनी इंसिडेंट हो गया था। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का, और मतलब सबको मजा आया, जितने लोग का आपको इंटरव्यू दिखाया सबको ही बहुत मजा आया। एट लास्ट हम लोग को वहाँ पे कोई मिल गया, तो उन लोग मतलब कि ये क्या होता है, वो छोले टिकिया होते हैं जो अपने छोले टिकिया का पूछ रहे थे कि एक्चुअली होता है कि छोले टिकिया। तो उन लोग एक्सप्लेन कर रहा, बोल रहे कि भाई अब छोले टिकिया आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं छोले टिकिया क्या होता है। मेरे को जितना आता था मैंने एक्सप्लेन करा कि इट्स पोटैटो पैटी विच इज़ डीप फ्राइड एंड देयर इज सॉल्ट एंड स्पाइसेस एंड कर्ड एंड मिंट चटनी ऑन टॉप। उनको काफ़ी एक्सप्लेन करा, उन लोगों ने बाद में लिया भी, और फिर उन लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा बोला भी, उनको काफ़ी अच्छा लगा वो। तो काफ़ी डिफिकल्ट था एक्सप्लेन करना कि आलू टिक्की क्या होता है। आप लोग बताओ कमेंट्स में, अगर देख रहे हो यहाँ तक, तो कि आप लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई पूछता कि आलू टिक्की क्या होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल सुबह हम लोग की शिफ्ट है, अगली बार जाऊँगा सोना, आज थक गए बहुत दिन भर घूम घूम के। तो कल आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और लाइक तो आप कर ही रहे हो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। बाय बाय। What the fuck?